तो फ्रेंड कॉम्प्रोन वॉचिंग टेलर चैनल की दिन आपको नेटवर्क के कोर्स के बारे में हमने समझाया था कि राउटर के अंदर स्विचिंग क्या होता है और स्विचिंग की मैंने बात की थी। तो आप समझे कि राउटर के अंदर कौन कौन से और किस तरह के राउटर की फंक्शनलिटी हमारी सिस्टम्स के अंदर होती है। तो स्विच में भी राउटिंग होती है, ओके, जिसको स्विचिंग राउटिंग भी बोलते हैं, ओके। तो जैसे कि ये स्विच है तो स्विच के अंदर राउटिंग होती है, लेकिन स्विच जो है वो देती है हाई लेयर OSI मॉडल की सर्विसेज, जिसको हम कहते हैं राउटर टेक्नोलॉजी, ओके। तो राउटर जो होता है वो सिस्टम, मैंने आपको समझाया था कि राउटर की टेक्नोलॉजी के बारे में। तो रीसेट हम राउटर को क्यों करते हैं ये जान लीजिए, ओके। तो इन सब के मैंने कारण बताए थे, ओके। तो पिछले वीडियो में आपको नेटवर्क की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा इसका पूरा कम्युनिकेशन, उसके साथ जितनी भी नॉलेज मिली तो मैंने आपको बता दिया था, ओके। मीडिया सर्वर हमारा USB वगैरह जो यूज़ करते हैं, ओके, ये भी मैंने आपको समझाया था, ओके। तो राउटर जो होते हैं उसके अंदर हम कनेक्शन कैसे करते हैं, ऑलमोस्ट जो हमारे राउटर जो होते हैं वो मिनिमम 2 पोर्ट तो होते ही है, तभी हमारा राउटर कहलाता है। कभी सिंगल पोर्ट नहीं होता, 2 पोर्ट होते हैं, और वो भी RJ45 ईथरनेट टेक्नोलॉजी के अंदर। अगर आपको फाइबर में लाना है तो आपको NIC या NIM फाइबर टेक्नोलॉजी का कार लेना पड़ेगा, और इस तरह से मॉड्यूलर राउटर के अंदर आपको डालना होगा, ओके। तो जितने भी हमारे राउटर्स वगैरह होती है, कम्युनिकेशन होती है, मैंने आपको सब कुछ समझा दिया था। तो हमारे राउटर्स के अंदर हमारी ओके तो मैंने EIGRP समझाया था, फीचर्स क्या है, ये डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल क्या होता है, मैंने आपको ISIS प्रोटोकॉल समझाया था, पिछले वीडियोस में जाकर देख लीजिए। तो ये जब भी राउटिंग होती है तो इसी के थ्रू हमें राउटिंग होती है, ओके, पैकेट जो होती है। तो उसी के अंदर मैं स्विचिंग भी समझाया था कि स्विच हम करते हैं, एक जगह से एक राउटर के अंदर दूसरे राउटर जाता है तो उसको हम राउटिंग बोलते हैं, ओके। तो हम समझते हैं कि अब स्विचिंग क्या होता है, इसकी प्रोसेस क्या होती है, अब स्विचिंग समझ लेंगे इसकी प्रोसेस कैसे होती है। तो जिस तरह से स्विच जो होता है, स्विच और राउटर दोनों आपस में कम्युनिकेशन कैसे करती है, क्योंकि स्विच का काम ही स्विचिंग करना, राउटर का काम ही राउटिंग करवाना, ओके। लेकिन राउटर और स्विच आपस में कैसे कनेक्ट और कम्युनिकेशन कर पाती है, इसी स्विचिंग के कारण, ओके। क्योंकि राउटर के साथ एक और सिस्टम जुड़ी होती है जिसको कहते हैं हम स्विच, ओके। तो स्विच जो होती है वो काफ़ी हमारी मदद करती है डिस्ट्रीब्यूशन और एक ग्रुपिंग में रखने के, एक डिवाइस बना गया होता है। तो अगर नेटवर्क सिर्फ दो ही कंप्यूटर का होता तो स्विच की ज़रूरत नहीं होती, ओके। लेकिन नेटवर्क जो है वो जैसे जैसे बढ़ता है डिस्ट्रीब्यूट होता है, डिस्ट्रीब्यूट मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह हम बांटते जाते हैं, यहाँ पर एक कनेक्शन से 2, 2 से 4, 2 से 15, 16, फिर 200, 800, 1000, 1,00,000 करोड़ जितनी भी हो, जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है उसके बीच में पावर का कनेक्शन करना पड़ता है, पावर को यूज़ करने वाले डिवाइसेस करने वाले वायर टेक्नोलॉजी और भी बहुत कुछ हमारा जो है सिस्टम लगती है। अकेला राउटर नहीं होता, राउटर के साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई होती है, ओके। अभी तो हम राउटर के बारे में पढ़ रहे हैं इसलिए राउटर में बोल रहा हूँ, ओके। जब मैं सिस्को CCNA में बताऊँगा कि एक टावर मुझे लगाना है, एक वायरलेस कम्युनिकेशन, जिस तरह से हम मोबाइल की बात करते हैं, मोबाइल जो होता है वो किसे टावर के साथ क्या क्या लगाते हैं, वो सब कुछ मैं समझाऊँगा, ओके। तो पहले हम समझते हैं कि प्रोसेस ऑफ स्विचिंग क्या है और इसके बारे में हम समझते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, अगर कोई भी क्वेश्चन कमेंट कर सकते हो। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि प्रोसेस ऑफ स्विचिंग क्या होता है।
कॉन्फ्रेंस के लिए शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है, मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकती हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, ये चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते हो किस तरह का आइकॉन भी है और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पर आ जाओगे, यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह के आपको वीडियोस मिल जाएंगे, वीडियोस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर नेटवर्क सॉफ्टवेयर यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितने भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है जिससे कि जितने भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया आपको जो भी कॉन्सेप्ट होता है जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर के नाम से। ओके, तो जैसे ही प्ले लिस्ट पर आप क्लिक करते हो तो आपको प्ले लिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट की गई होगी, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको एथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको वो मिलता रहेगा कॉन्टैक्ट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए, यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कम्प्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं एडवांस लेवल पर, कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझाया यहाँ पर, वो भी बताया यहाँ पर, विंडो 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ, और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है इनकी प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह पेटीएम क्या होता है और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते हैं कि एंड्रॉयड क्या है, एंड्रॉयड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट, इसके नए नए फीचर्स आए वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज़ के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स से, अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल को मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेड हैट लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्यून है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करता जाऊँगा नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना
जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट आपकी जो लेवल का जो एक जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकते हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको वन बाय वन समझिए। ओके, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो अगर आपके पास पहले से बेसिक काम होना चाहिए तो। आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता। इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है वन बाय वन करके। ओके, और जितने भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके इनको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मैं डिटेल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वाइज ही देखिए। पहला जो हमारा स्टेप है कि स्विचिंग इन्वर्टर फॉलोइंग स्टेप, हमारी जो भी स्विचिंग होती है इस स्टेप के थ्रू काम करता है। पहला स्टेप है प्रेम रिसेप्शन। हम छोटा सा हेलो भी लिखते हैं या गूगल भी लिखते हैं इंटरनेट के ऊपर, तो हमारा जो है वो डेटा फ्रेम बनता है। ओके, फ्रेम मैंने आपको समझा दी थी, ओएसआर लेयर का वीडियो जाकर देखिए, उसके अंदर फ्रेम डेटा लिंक लेयर बनाने का काम करता है, आईपी हेडर लगाने का काम नेटवर्क लेयर करता है, और सेगमेंट छोटे 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 पार्ट के अंदर हमारा डेटा जो है ट्रांसफर होता है वो ट्रांसपोर्ट लेयर करता है। ओके, तो द स्विच रिसीव डेटा फ्रॉम, ओके, और पैकेट फ्रॉम कंप्यूटर कनेक्टेड टू इट्स पोर्ट। ओके, तो स्विच जो है हमारा रिसीव करता है डेटा फ्रेम के अंदर। ओके, या तो फिर पैकेट फॉर्म जो होता है जहाँ से कनेक्शन निकल कर आता है कंप्यूटर से, उस तरह से करता है। ओके, तो अगर स्विच है तो स्विच आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, स्विच दूसरे स्विच से कनेक्ट है तो जो है फ्रेम में अंदर जाएगा, लेकिन कंप्यूटर में से जो डेटा निकल आएगा वो पैकेट फॉर्म में होगा। एक एग्जांपल देता हूँ, दे सकते हो कि ये जो डेटा है इसके ऊपर जो पैकेट इसको बोलते हैं, इसको पैकेट बोलते हैं यहाँ, लेकिन यहाँ पर जो है फ्रेम वाइज काम करेगा, लेकिन जब भेजना है तो ये भी फ्रेम वाइज ही जाएगा, लेकिन इसके साथ जुड़ा होगा आईपी हेडर। ओके, उसके साथ जुड़ा होगा मैक हेडर, ताकि राउटर को पता चले कि ये जो है डेटा मेरा इसी कनेक्शन का इसी लेवल का है, इसलिए सबको जो है टेलीकम्युनिकेशन कंपनी जो है क्यों ये चीज़ राउटर देती है। ओके, इंटरनेट चलाने तक को राउटर चाहिए होगा। ओके, तो इस वजह से मैं आपको समझाता हूँ कि जो है ये फिर राउटर जो है पैकेट पर काम करना शुरू करता है। तो इसने लिखा कि google.com, तो गूगल के अंदर बहुत सारे लोग काम करने वाले लोग हैं। यहाँ पर देख सकते हो कि सर्वर है गूगल का, यहाँ पर कोई एम्प्लॉय है, कोई भी सिक्योरिटी, हमने यहाँ पर बहुत सारे हज़ार किलोमीटर हमारा डेटा जो है ट्रांसफ़र कर राउटर के गूगल के राउटर के पास आया, तो गूगल जो है ऐसा डायरेक्टली हमारे सर्वर को नहीं भेजता, गूगल सीधा भेजते गूगल के नेटवर्क के अंदर, और उसी के अंदर से फिर उसको वेब सर्वर ढूंढता है कि मुझे, मैं क्योंकि मैंने लिखा है www.google.com, तो google.com नंबर आईपी एड्रेस कौन सा 239, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हालांकि ये नहीं होता, तो 239.10.0.1, तो ये जो है यही आईपी को फॉलो करते हुए यहाँ से हमारे सर्वर के पास जाएगा, फिर सर्वर चेक करेगा ये कौन सी रिक्वेस्ट है, तो गूगल की इसको वेब पेज चाहिए तो उसको दे दो, तो वो आपको एक्सेस करने के लिए और आपको वो डेटा भेजेगा, फिर वहीं से अभी घूमता हुआ फिर आपके पास आपका वेब पेज ओपन हो कर आता है गूगल का। ओके,
उसी तरह से आप दूसरा नेक्स्ट हम समझते हैं प्राइम, अब ये बैक एड्रेस एक्सटेंशन से स्विचिंग करता है ओके उसी के साथ। तो द स्विच रीड्स द हेडर ऑफ डेटा फ्रेम एंड कलेक्ट डेस्टिनेशन मैक एड्रेस फ्रॉम इट। मैंने जैसे कहा कि हमने जो लिखा है google.com वो ढूंढता है आईपी हेडर को, ये आईपी रियल एक्चुअल में हमारा नेटवर्क में है। तो अगर है, अगर आप फेसबुक देखो तो फेसबुक का डेटा गूगल के सर्वर के पास सिर्फ लिस्ट बताएगा, लेकिन फेसबुक के अंदर यूजर नेम पासवर्ड लॉगिन होना तो वो फेसबुक के सर्वर के पास फेसबुक के नेटवर्क के अंदर जाएगा ओके। तो कहने का मतलब क्या है कि ये गूगल का सर्वर यहाँ पर था फेसबुक का, और कोई और सिटी में ओके किसी और जगह पर है यूएसए के अंदर, तो वहाँ पर जाएगा, इसके पास नहीं आएगा, क्योंकि ये जो है गूगल का है, गूगल का डेटा है, वो गूगल का डेटा सेंटर है। तो हमेशा स्विच जो है वो रीड करती है, फाइंड करती है, हेडर चेक करती है, राउटर का ही काम होता है कि कौन सा कनेक्शन कहाँ पर भेजना है। तो ये डेस्टिनेशन मैक एड्रेस जो होता है ये काफ़ी राउटर के लिए भी काम आता है यहाँ पर ओके। मैक एड्रेस टेबल लुकअप, ये भी देख सकते हो कि मैक एड्रेस टेबल का मतलब क्या होता है कि एक बार स्विच अगर आप ड्राइव करते हो इसके साथ कनेक्शन कर देते हो तो एक चीज एक जो है टेबल बनाता है, मैक टेबल बना देता है, और ये परफॉर्म करता है लुकअप स्विचिंग टेबल के लिए, और हमेशा फाइंड करता है यहाँ कोई भी डेटा हो तो वो लीड करता है मैक एड्रेस के ऊपर और उसके डेटा फ्रेम के अंदर ओके। तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि कोई भी कहीं पर भी आप कम्युनिकेशन या कंप्यूटर करते हैं, तो मेरी इस चीज़ यह है कि आप किस तरह की कम्युनिकेशन वे करते हो, किस तरह की आप सोर्स ढूंढ रहे हो, किस तरह से आपकी जिस तरह से आप गूगल लिखकर आप गूगल के सर्वर के पास डेटा आपका भेजता है, तो फिर वो उसको रिप्लाई देने के लिए आपकी सिस्टम को वो ढूंढ कर वहीं से ही आपके सोर्स को ढूंढ कर भेज देता है। अगर मैं लिखता हूँ facebook.com और फेसबुक का वो गूगल के अंदर लिस्ट आएगा, लेकिन फेसबुक के जैसे ही सर्वर पर क्लिक करता हूँ, जैसे ही फेसबुक का पेज ओपन होगा तो वो गूगल से नहीं ओपन होकर आएगा, रियल एक्चुअली क्या सर्वर दूसरे के अंदर सर्वर के अंदर आएगा ओके। तो ये चीज़ होती है, एक एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ कि अगर हम मल्टी पैकेट ट्रांसमिट डेटा जैसे IGMP स्नूपिंग की बात करें, तो IGMP जो राउटर के अंदर जो जितने भी सिस्टम होती है वो ढूंढती है कि ये IP एड्रेस, ये हेडर जो है ये कौन सा है, किसके सोर्स का है, किस राउटर का है। जिस तरह से हमारा एक ऑफिस होता है जैसे पोस्ट ऑफिस की हम बात करते हैं, पोस्ट ऑफिस के साथ बहुत सारी पोस्ट में जुड़े हुए लोग होते हैं, तो पोस्ट ऑफिस का ही काम होता है कि कौन से पोस्टमैन का कौन से एरिया के अंदर कौन से एरिया के लेवल के अंदर उसको भेजना है ओके। तो गवर्नमेंट की एजेंसी के लोग होते हैं तो गवर्नमेंट के एरिया साइड में जाएगा, प्राइवेट एजेंसी का तो प्राइवेट एजेंसी में जाएगा, पब्लिक में तो पब्लिक में कौन कौन से एरिया है, जैसे कि कोई छत्रपति शिवाजी रोड की तरफ रहता है, कोई चांदनी चौक की एरिया साइड रहता है, तो ये जो क्या है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वो एरिया डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इस वजह से जो है काफ़ी इजी और अच्छी तरह से ट्रांसमिट डेटा होता है यहाँ पर ओके। उसी तरह से हमारे इंटरनेट पर हजारों लाखों राउटर्स जुड़े हुए होते हैं आपस में, और आपस में एक दूसरे के साथ जो है आईपी हेडर आईपी कनेक्शन जो है जुड़े हुए होने के कारण यहाँ पर जितना फेमस सिस्टम होगा वो राउटर जो है अपने अंदर आईपी एड्रेस डाल लेता है और यूज़ कर लेता है, जैसे कि गूगल है, फेसबुक है, याहू है, बहुत सारी अलग अलग कंपनीज हैं। तो जो परफॉर्मेंस जो होती है वो सर्चिंग करती है टेबल के अंदर, वो फाइंड करता है पोर्ट कौन सा लीड एक्सेस सिस्टम होता है वो ओके। तो फॉरवर्डिंग होता है यहाँ पर डिसीजन आगे की ओर डेटा भेजने के लिए, स्विचिंग होता है टेबल को अपडेट करने के लिए ओके। तो टेबल को अपडेट करने के लिए तो अगर हम बात करें कि स्विच जो है मैच होती है डेस्टिनेशन मैक एड्रेस के अंदर, तो ये जो फ्रेम है जो यहाँ पर इसके अंदर मैक के साथ कंबाइंड होता है यहाँ पर ओके। तो तब जाके आपके स्विच के अंदर आता है, अगर आईपी हेडर ही सिर्फ काम आता तो स्विच को वो डिलीवर करने वाला डेटा होता ही नहीं ओके। तो स्विच के पैकेट के साथ उसके मैक हेडर राउटर उसके नज़दीकी राउटर के पास डेटा होता है, और फिर राउटर जो है अपना अपने हेडर के थ्रू आईपी हेडर के थ्रू डेटा भेजना शुरू करता है। राउटर जो है वो मैक एड्रेस पर काम नहीं करता, आईपी हेडर पर काम करता है, ये बात ध्यान रखें ओके। तो एड्रेस जो होता है वो किसके अंदर स्विच के टेबल के अंदर होता है, वो फॉरवर्ड करता है डेटा आगे की ओर भेजने का काम और रिसीव करता रहता है जब तक कि उसको डेटा जो है उसका रिप्लाई नहीं मिलता, तो उसको एक तरफ ट्रांसफर भी करना है और रिसीव भी करना है
ओके तो कैसे ये पॉसिबल है, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस के थ्रू और ये नहीं मिलता है तो पिवट करता है टेबल को फॉलो, आईपी टेबल को फॉलो करता है, तो फॉलोइंग फ्लूडिंग प्रोसेस उसको बोलते हैं। ओके फ्लूडिंग प्रोसेस मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पर वो ढूंढता रहता है यहाँ पर। अब ये जो है स्विचिंग हो रही तो सैन होता है कहाँ से डेटा ट्रांसमिट होगा, किस तरह से पोर्ट कौन से पोर्ट के अंदर होगा, ये भी चीज़ जो होती है इम्पोर्टेंट होती है। एक जगह से अगर निकलता है डेटा, जैसे कि गूगल लिखा मैंने, किसी ने मेरे यूके की अकाउंट डिपार्टमेंट से किसी ने लिखा गूगल की परचेस डिपार्टमेंट या तो फिर एचआर डिपार्टमेंट से, दोनों में से जो है गूगल दोनों मेरी कंपनी में से नेटवर्क निकल कर डेटा निकल कर आया, तो वो जो बीच में जो इंटरनल कनेक्शन हो रहा है वो मैक एड्रेस से ही होगा, क्योंकि सभी जो है कनेक्शन किए गए हैं मैंने स्विच के थ्रू। लेकिन जैसे ही मेरे मेन कंपनी के राउटर के अंदर आएगा तो वो सीधा जो है वो आईपी के थ्रू निकल जाएगा। ओके फिर वहाँ से वो निकलता हुआ सीधा यूएसए अमेरिका के सर्वर के पास जाएगा, फिर वहाँ से वो रिप्लाई आएगा फिर मेरे राउटर के पास, फिर जहाँ जहाँ जिन जिन लोगों ने डेटा को भेजा वहाँ से ही दो बार रिप्लाई तो दो बार ही जाएगा डेटा पैक होकर। ओके इस तरह से पैकेज फ्रेम सिस्टम होती है। तो फ्लोडिंग प्रोसेस में अब इसके अंदर हम सेंड करते हैं डेटा फ्रेम को अंदर। ओके तो ये जो है एक्सपेक्ट और दूसरे भी बहुत सारे अलग से निकले हुए रिकॉर्ड्स जो होते हैं वो मैक एड्रेस और भी बहुत सारे फ्रेम जो होते हैं उसके अंदर डिलीवर होते हैं, ऐसा नहीं कि हमारा गूगल के, इसके अलावा बहुत सारे जो हमारे जो सिस्टम के अंदर माइक्रोसॉफ्ट की अपडेट्स आई है, फिर मैसेजिंग प्रोसेसिंग और भी बहुत कुछ हमारी ईमेल्स वगैरह जो होती है, तो इन सभी का जो है इसी तरह से सिस्टम जो है सेंड और रिसीव होता है। आप कोई भी एक्स वाई जेड ले लो, तो जैसे कि मैंने कहा कि एक ने यहाँ पर मुझे लिखा google.com, इसने भी लिखा google.com, दोनों मेरे एक ही स्विच के साथ कनेक्ट है और यहाँ से वो डेटा गया, तो दोनों ने भेजा है डेटा मुझे गूगल का पेज दो, तो स्विच कहता है रिसीव किया स्विच के पास नहीं, तो स्विच जो है नज़दीकी डेटा की इंटरनेट कनेक्शन के पास जाएगा, फिर वहाँ से जो है वो राउटर के पास जाएगा, स्विच जो है उसने स्विचिंग किया, अब राउटर को भी राउटिंग करना है, उसको भी पैकेट स्विच करना है, तो राउटिंग प्रोटोकॉल का यूज़ करके इस दूसरे को स्विच करना शुरू करेगा, और इसी तरह से भी सर्वर के पास जाएगा, फिर सर्वर रिप्ले करेगा, कहीं से फिर आकर यहाँ पर हमारे सिस्टम के अंदर हमें वो वेब पेज मिल जाता है। फेसबुक ओपन करते तो भी वही प्रॉब्लम, कोई भी सिस्टम इसी प्रोसेस के थ्रू चलता है, लेकिन मैक एड्रेस की, क्योंकि मैक एड्रेस से आपकी डिवाइस में एक्जैक्टली उसी जगह पर आपका डेटा मिल जाए, कहीं और ना जाए, किसी और कोई और मिस यूज ना करें। इस वजह से एथिकल हैकिंग में मैंने आपको बताया था कि मैक क्लोनिंग होती है। ओके मैंने आपको समझाया था, तो कंप्यूटर एथिकल हैकिंग CSU का मैंने प्लेस बना कर रखी हुई जाकर देखी। ओके सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी जिसको कहते हो आप, फिर आप ध्यान से देखोगे कि ये मल्टी कास्ट सर्वर स्पेशलिस्ट वर्ड है यहाँ पर, मल्टी कास्ट स्पेशलिस्ट रिसीवर, तो ये भी एक जो है ये रिसीवर उसको आंसर चाहिए कि मुझे ये चीज़ चाहिए, जैसे कि वेब पेज चाहिए मुझे गूगल का, तो मेरे पास तो नहीं है, तो मैं ढूंढूंगा किसके पास, मेरा डेटा कैसे जाएगा स्विच के पास, तो स्विच ये समझता है कि इसने मुझे रिक्वेस्ट भेजी है तो इसका पैकेज आगे भेजना पड़ेगा, आगे इसने भेजा तो उस डोमेन को फॉलो करता हुआ, उस डोमेन के कनेक्शन को फॉलो करता हुआ यहाँ पर पहुँचता है। ओके तो डोमेन जो होता है उसी को चेक करता है कि ये रिक्वेस्ट डोमेन की लेवल के अनुसार है या नहीं, तब सर्वर जो है रिप्लाई करता है। ओके तो दिस वे स्विच इज फाइंड द न्यू मैक एड्रेस अपडेट एंड फॉरवर्डिंग टेबल। ओके तो अगर कोई नया कोई सिस्टम नए हमारे स्विच के साथ कनेक्ट होती है तो नए हमारी अपडेट होती रहती है एड्रेस के अंदर, जैसे कि 4 कंप्यूटर लगाए पे 12 कंप्यूटर पे 25 जितने भी लगाए ये डिपेंड है आपके। मल्टीकास्ट सेंडर इसके कहते हैं मल्टीकास्ट सेंडर। अब मल्टीकास्ट क्या करते हैं, यूनिकास्ट सिंगल कास्ट और मल्टीकास्ट, मतलब एक सेंडर है तो उसके अंदर मल्टीपल कनेक्शन के थ्रू हम जो है डेटा भेजते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा जो डेटा जो होता है उसकी जो प्रोसेस होती है, गूगल कभी भी एक राउटर पर नहीं यूज़ करता अपना कनेक्शन, बहुत सारे उसके राउटर्स होते हैं, क्योंकि इसको जल्द से जल्द सामने वाले को रिप्लाई भेजना होता है। गूगल के सर्वर एक सेकंड में लाखों हजारों मिलियंस रिप्लाई उसका सर्वर भेजता है, तो उसको भी पावरफुल होना ही पड़ेगा। ओके और तो ये पावरफुल है, लेकिन राउटर जो है उसको भी पावरफुल, उसका कनेक्शन भी पावरफुल होना पड़ेगा, तब जाके जो है हम उसके पास
जो है कोई भी डेटा इंटरनेट के अंदर थ्रू हम लेते हैं, जीमेल हो गया, ईमेल्स वगैरह और जो बहुत सारी सर्विसेज यूट्यूब वगैरह हो गए, ये चीज़ हमें आपको समझाने के लिए कहता हूँ। नेक्स्ट होता है प्रेम ट्रांजिस्टर। ओके, प्रेम ट्रांजिस्टर क्या करता है कि ये जो एक डेस्टिनेशन से निकलता है, ओके, एक जगह से निकलता है, तो ये जो फोन ये फाउंड करता है और ये जो है सेंड करता है डेटा फ्रेम, तो ये जो फॉरवर्ड करता है दूसरे अपने टारगेट कंप्यूटर नेटवर्क को, स्विच इसे डायरेक्ट राउटर को नहीं बताता, स्विच जो चेक करता है कि मेरे अंदर इसका कोई रिप्लाई है या नहीं, ओके, तब जाके राउटर को भेजता है। फिर राउटर फिर जो है नज़दीकी राउटर को देखता है कि इसके पास कोई इसका कोई रिप्लाई है आपके पास, तो ये यहाँ पे इस राउटर को भेजेंगे। अब इस राउटर को ये लगेगा कि इसने मुझे रिप्लाई भेजा है, ओके, जबकि डेटा जो है गूगल का इसको चाहिए, तो इस तरह से जो है इसको लगता है कि मेरे नेबर ने मुझे कुछ पूछा है या फिर मेरे नेबर का ये डेटा है, इस तरह से राउटर को जो है बनाया जाता है, इसको कनेक्शन किया जाता है। तो सभी के पास उनके पास जो है होप काउंटिंग सिस्टम, फॉलोइंग सिस्टम, आईपी हेडर सिस्टम और उसके अंदर पोर्ट फॉरवर्डिंग और स्विचिंग कैलकुलेशन सिस्टम भी होती है, तो इस वजह से जो है डेटा जाता है तो वो आपके पास वापस आ पाता है, ओके। तो ये चीज़ आती है आपके सामने। अब कौन से टाइप्स का स्विच होते हैं, स्विचिंग कौन से टाइप्स का होते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा कौन कौन से टाइप्स के स्विचिंग होती है और ये क्यों मैं आपको समझाना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में इसी को मैं कंटिन्यू करूँगा, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक करना ना भूलें। अगर कोई भी क्वेश्चन तो कमेंट कर सकते हो। तो थैंक यू, हैव नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक टाइप्स ऑफ स्विचिंग। ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो में यहीं से शुरू करेंगे। देख सकते हैं कि यहाँ पर और भी एक सिटी विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेस बना रखी हुई है, तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि जैसे तो कि विंडो 10 के अंदर भी, तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है, कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी है कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये बुकिंग है, ये अभी सीखिए, और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया है मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारी यहाँ पर वीडियोस है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम का यहाँ हो, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं, यहाँ पर हमने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूज़र पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं, तो बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊँगा। ओके, एंड्रॉयड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्लेलिस्ट में जाकर ही कि यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है, क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो, तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव नाइस डे, नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।